मेरे प्यारे बच्चों आदाब उम्मीद है कि आप खैरवाफियत से हैं आज के इस क्लास में मैं जनाब अशफाक आपका खैर मकदम करता हूँ मेरे अजीज बच्चों इस सबक में हम जमीर पर काम करेंगे आज हम उसके और उसकी का इस्तेमाल करना सीखेंगे बच्चों ये देखिए वो ज़मीर वो जैसे मैं तू वो ज़मीर वो अब बताइए क्या हम कहेंगे वो के बेटे वो की कुर्सियाँ वो की किताबें बिल्कुल नहीं ये ग़लत हैं तो इसके बजाय हम कहेंगे उसके बेटे उसकी कुर्सियाँ उसकी किताबें ये सही हैं बच्चों वो के या वो की नहीं कहते हैं बल्कि उसके या उसकी इस्तेमाल करते हैं अब यहाँ पर गौर फरमाइए बच्चों अगर लफ्ज़ मुजक्र हैं और जमा में है तो उसके इस्तेमाल करते हैं जैसे उसके जूते उसके बेटे उसके कपड़े उसके मुर्गे उसके तहफे उसके बच्चे उसके घोड़े उसके पैमाने फिर से पढ़ते हैं बच्चों उसके जूते उसके बेटे उसके कपड़े उसके मुर्गे उसके तोहफे उसके बच्चे उसके घोड़े उसके पैमाने बच्चों लफ्ज़ जूते बेते कपड़े मुर्गे तहफे बच्चे घोड़े पैमाने ये सब अल्फाज मुजक्कर हैं और जम में हैं इसीलिए उसके का इस्तेमाल हुआ है प्यारे बच्चों अब हम एक मश्क करते हैं देखते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। गौर फरमाइए उसके कुत्ते वो के कुत्ते बच्चों इन दोनों में क्या सही हैं और क्या गलत है उसके कुत्ते सही हैं उसके इस्तेमाल करना चाहिए वो के कुत्ते गलत हैं वो के नहीं कहते हैं एक और मिसाल देखते हैं वो के बस्ते उसके बस्ते इन दोनों में क्या सही है और क्या गलत क्या हम कहेंगे वो के बस्ते बिल्कुल नहीं ये गलत है तो सही जवाब है उसके बस्ते उसके इस्तेमाल करना चाहिए ये सही है उसके बस्ते एक और मिसाल गौर फरमाइए उसके कमरे वो के कमरे इन दोनों में क्या सही हैं और क्या ग़लत हैं बच्चों उसके कमरे सही हैं उसके इस्तेमाल करना चाहिए और वो के कमरे ग़लत हैं क्यों बच्चों क्योंकि वो के नहीं कहते हैं ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर गौर फरमाइए क्या हम कहेंगे उसका कुर्ते जी नहीं ये गलत हैं क्यों ये गलत हैं बच्चों क्योंकि कुर्ते लफ्ज़ कुर्ते मुजक्कर हैं और जम में है इसलिए उसका गलत है तो सही जवाब है उसके कुर्ते चूँकि कुर्ते जम मुजक्कर हैं इसीलिए उसके का इस्तेमाल करना चाहिए वैसे ही क्या हम कहेंगे उसकी कुर्ते बिल्कुल नहीं लफ्ज़ कुर्ते मुज़क़्कर हैं और जम में भी हैं इसलिए उसकी ग़लत हैं उसकी कुर्ते नहीं कहते हैं बल्कि हम कहेंगे उसके कुर्ते ये सही हैं उसके कुर्ते एक और मिसाल क्या हम कहेंगे उसकी बकरे ग़ौर फरमाइए बच्चों क्या ये सही है बिल्कुल नहीं उसकी बकरे गलत हैं क्यों उसकी ग़लत हैं क्योंकि लफ्ज़ बकरे मुजक़्कर हैं और जमा में भी हैं तो हम कहेंगे उसके बकरे बकरे चूंके मुजक्कर और जम है तो उसके इस्तेमाल करना चाहिए उसके बकरे। वैसे ही क्या हम कहेंगे उसका बकरे बिल्कुल नहीं ये गलत है उसका गलत है क्योंकि लफ्ज़ बकरे मुज़क़्कर हैं और में है इसीलिए उसके बकरे कहना चाहिए मेरे अजीज़ बच्चों अभी हमने जम मुज़क़्कर अल्फाज के सामने उसके का इस्तेमाल करना सीखा अब हम हमस अल्फाज पर गौर करते हैं तो देखिए बच्चों अगर लफ्ज़ मनस हो तो उसके सामने उसकी इस्तेमाल करते हैं जैसे उसकी अलमारिया उसकी तितलियाँ उसकी बेटियाँ उसकी मिठाइयाँ उसकी मछलियाँ उसकी टोकरियाँ मुआनस अल्फाज के लिए चाहे वो वाहिद में हो या जम में हो उसकी ही इस्तेमाल करते हैं फिर से पढ़ते हैं बच्चों उसकी अलमारियाँ उसकी तितलियाँ उसकी बेटिया उसकी मिठाइयाँ उसकी मछलियाँ उसकी टोकरिया बच्चो लफ्ज़ अलमारिया तितलिया बेटिया मिठाइयाँ मछलियाँ टोकरिया ये सब अल्फाज मनस हैं और जमा में भी हैं इसी वजह से उनके सामने उसकी का इस्तेमाल हुआ है अब ये देखिए बच्चों लफ्ज़ बातें दवाएं चीज़ें नमाज़े आंखें दुकानें हम यहाँ क्या इस्तेमाल करेंगे उसकी या उसके चूंकि ये सब मुअन्नस हैं तो उसकी का इस्तेमाल करना चाहिए जैसे उसकी बातें उसकी दवाएं, उसकी चीज़ें उसकी नमाज़ें उसकी आँख आखें उसकी दुकान है, बच्चों लफ्ज बातें दवाए चीजें नमाजें आँखें दुकाने ये सब अल्फाज मनस हैं और जमा में भी हैं इसीलिए उनके सामने उसकी इस्तेमाल हुआ है प्यारे बच्चों अब एक मश्क करते हैं आपको बताना है कि क्या सही है और क्या गलत है गौर फरमाइए उसकी बेटियां, वो की बेटियां, इन दोनों में क्या सही है और क्या गलत उसकी बेटियां ये सही हैं और वो की बेटियां गलत हैं क्योंकि वो की नहीं कहते हैं बल्कि उसकी बेटियां कहना चाहिए वैसे ही वो की कुर्सियां उसकी कुर्सियां इन दोनों में क्या सही है और क्या गलत क्या हम कहेंगे वो की कुर्सियाँ बिल्कुल नहीं ये गलत है तो सही जवाब हैं उसकी कुर्सियाँ ये सही हैं उसकी कहना चाहिए बच्चों अब यहाँ पर गौर फरमाइए क्या हम कहेंगे उसका कुर्सियाँ ये सही है बच्चों बिल्कुल नहीं उसका कुर्सियाँ ग़लत हैं क्यों उसका ग़लत है क्योंकि कुर्सियाँ लफ्ज़ कुर्सियाँ मुआनस हैं इसीलिए उसकी कुर्सियाँ कहना चाहिए वैसे ही क्या हम कहेंगे उसके कुर्सियाँ बिल्कुल नहीं ये ग़लत हैं क्यों उसके कुर्सियाँ ग़लत हैं क्योंकि लफ्ज़ कुर्सियाँ मुआनस हैं इसीलिए उसके कुर्सियाँ ग़लत हैं तो कहना चाहिए उसकी कुर्सियाँ ये सही है उसकी मेरे प्यारे बच्चों इस सबक में हमने उसके और उसकी का इस्तेमाल करना सीखा अगर लफ्ज मुजक्कर हो और जमे में भी हो तो उसके इस्तेमाल करना चाहिए और अगर लफ्ज मुआनस हो चाहे वाहिद में हो या जम में हो तो उसकी इस्तेमाल करना चाहिए हमारा ये सबक यहीं पे खत्म होता है अब उदात को ज़ी Kuda Hafiz